जय श्री राम हर महादेव। मैं देव अमित शर्मा, अमृतपाल नू मेरा स्नेहा, स्नेहा छड्डो, तैनू वार्निंग है मेरी ओए, बहुत हो गया, तैनू जील आया, तैनू बड़ी इज्जत देती पहला। कहते जब गिदड़ी मौत आती है शहर वाल भजदा, तू भी शहर वाल भज के आ गया, तेरी मौत तैनू वाजा मारदी है। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान टारगेट करना है बार बार। तहैया कर लेना चाहिए, फैसला कर लेना चाहिए भी जिहड़े पंजाब दे लोग ने ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਗ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਹੁਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤ ਲਿਖਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਬਿਹਾਰੀਓ, ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਓ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਓ, ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੂਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਓ। जय श्री राम हर हर महादेव। सुन अमृतपाल, तेन पहले भी कहा पंजाब जरे प्योदा नहीं है, तो एक कहावत है भी जब गिदड़ की मौत आती है वह शहर वाल भजदा, तो तेरी मौत ने तेन शहर वाल भजा लिया। पंजाब तो साउदी कंट्री तो एवं तो आया नहीं, तेरी मौत तेन आवाजा मार दी। तू तो हिंदू हिंदी हिंदुस्तान को कद तक टारगेट करता रहेगा, कद तक नौजवानों अमृत पान के बहाने जहर जहर का सेवन कराना रहेगा। तू कहना भी जिथे हिंदी लिखी हो हिंदी बोलते हो उत्थे तुसी समान ना खरीदो, तो जे पंजाब के 40% हिंदू तो जिहड़े जिहड़े समर्थक नहीं ने, जिहड़े तैनू जुतियां मारन लई जुती हाथ लेके फिरदे हैं, जे उह लोगों ने पेटीएम करके किसी गैर हिंदू नू पैसा पाउण तो ये पैसा देने तो जागरूकता फैलाती, तो फिर तू की करेगा? तू तो ठगी ठोरी मार के वधिया तरीके का सिस्टम सैट करके आ गया होया, वधिया वैल ट्रेन होकर आया तू IAS के हाथों। हुण पाकिस्तान ने तेन प्लांट तो कर दिता है, फंडिंग भी तगड़ी कर रहे तेन, तो बाकी नौजवानों का कैरियर कहूँ खराब कर रहे हैं। पंजाब दे विच रल मिल के रहन दे सारे नूं, तू जो कर रहा है धर्म के नाम से, जो तू गुमराह कर रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से, दशम पिता के नाम से, वो करना बंद कर। मेरी सिख भरावों को अपील है, सिख नौजवानों को अपील है कि इसको जो बिहार तो तकलीफ है, तो गुरु गोबिंद सिंह जी भी बिहार से ही पैदा हुए थे, तो इन हिंदी तो प्रॉब्लम है तो हिंदी ही बोलते थे। पहला तुम आप जागरूक हो, जागरूक करेगा तुम, ये तो सारा फ्रॉड है, नहीं है ये, दुखी का बंदा नहीं है। जिहड़े लोग खालिस्तान की मंशा लेके बैठे हैं, जो लोग पंजाब नूं पंजाब का माहौल खराब करने की इच्छा लेके बैठे हैं, जो लोग हिंदुस्तान नूं तोड़न की नीयत लेके बैठे हैं, वो लोग इहदे समर्थक समर्थन के पिछे हैं। मेरी पहला भी अपील सी अपने सिख नौजवान भरावों नूं, ते हुण भी है, तुसीं इहदे कहे ते गुमराह ना होवो। गुरु नाल लगन दे लई, गुरु दे नाल जुड़न दे लई तुहानू इस फ्रॉड आदमी जरूरत नहीं है। पंज प्यारे वालों अपने शिकाया जाता है, जो प्रोसैस हुंदा तुसीं उस तरीके नाल उस चीज़ नूं फॉलो कर सकते हो। इहदे मन दे विच नफरत है, और नफरत तो इलावा तुहानू कुछ नहीं देगा, और इतिहास गवाह है कि नफरत ने हमेशा नेरे दे विच ही धकेल लिया बंदे नूं। पहलां भी बहुत नुकसान हो चुकिया अपने सिख भरावां दा भी, हो चुके हैं हिंदुओं का भी, हो चुके हैं, तो आपस के भिड़न तो चंगा आप रल के यह बंदे नूं नत्थ पाईए। इहदी औकात नहीं है, तो इहदी मंशा साफ जाहिर हुंदी है, इन्नी नफरत। अगर कोई बंदा मेरे वर्गा अपील कर दे ना 40% पंजाब बैठे हिंदुओं नूं, या जिहड़े बाहरों आए हुए इत्थे बसे हुए हैं, जिन्होंने अपने कारोबार किए हुए हैं, कि तुसीं भी जो पेटीएम करके या जो इलैक्ट्रॉनिक पेमेंट गूगल पे करना है, वो जात और धर्म देख के करो, तो भुखे मरण की नौबत आ जाएगी। याद रखी, लोगों ने खुशहाली नाल अपने व्यापार चलाए हुए हैं, अपने भाईचारे को बनाया हुआ है। असी लोग दिन त्यौहार कट्ठे मनाते हैं, और दिन त्यौहार के उत्ते कट्ठे कमाई भी करते हैं, और साजो समान का समान भी लाते हैं। इन्ना जहर ना फैला कि बिच ते हिंदी दिखे, जिथे हिंदी बोलने वाला दिखे तुसीं उत्थे गल भी उदा दी करो, हिंदी नाल इतनी नफरत ना करो।
बहुत पुरानी लैंग्वेज है, ये नैशनल लैंग्वेज है। बाहर भी कितने जाते हैं तो मोस्टली लोग आपस कोऑर्डिनेट करने लिए हिंदी बोलते हैं। हिंदी तो ऐसी की नफरत है, हिंदुओं तो ऐसी की नफरत है। पहले भी मैं अपनी वीडियोस कह चुके हैं कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान तो नफरत ना करो। साडा भूगोलिक नाम है मेरा तुहाडा सब का, और तुसी अगर इन्नी नफरत करते हो तो तुसी हिंदुस्तान के भारत के बैठे करते की हो, की करना आए हो तुसी इत्थे जहर फैलाने वास्ते? समझदार यूथ है, यूथ को समझना चाहिए, ये बिल्कुल मगर ना लगो। बहुत ही बेवकूफ आदमी एक नंबर का हैगा ये, इन्हें अपनी सिर्फ छोटी एक वैल ट्रेनड है बोलने का तरीका, देखने का तरीका, ये थोड़े इमोशनस ना खेल रहा है। जो किसी को सत समझते हैं वो उस इमोशन के बीच आ रहे हैं, और उसने इस उन्होंने कुछ होर ही दिख रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ गुमराह कर रहा है, पाड़ पा रहा है। किस टाइम इन्हें लड़के लड़ा के कितने निकल जाना कुछ नहीं पता। गुरु दे कहते चलो, गुरु घर जाओ, अच्छी गल है, अपने धर्म नाल अपने पंथ नाल जुड़ के रहो, पर ऐसे बंदे तो अलर्ट रहो। इन्हें तो जुतियाँ खानिया खानिया, मैं ये नहीं समझ आती भी प्रशासन इन्हों हल तक बख्शी क्यों बैठा। साढ़े वर्गे का मिनट मुकदमा दर्ज हो जाता, ठीक है, इससे भी होना चाहिए मुकदमा दर्ज। कई दरखास्त दिखाई गई ये खिलाफ, ऐसे बंदे समाज के लिए नुकसानदायक ने। एक खुले आम हथियार लेके फिर उ एंट्रियां कर रहा गुरु घर के इतिहास तो जो सीख नहीं सकिया तो इतिहास दल करके लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। तो मेरी बेनती है अपने भावों अलर्ट रहो ऐसे लोगों को। जय श्री राम, हर हर महादेव।